नवी मुंबई में 10 दिनों के भीतर शुरू होंगे 2 कोविड टेस्टिंग लैब, 600 लोगों की हर दिन होगी जांच, तुरंत मिलेगी कोरोना की रिपोर्ट। कोरोना के साए में जी रहे नवी मुंबईकरों के लिए मनपा 10 दिनों के भीतर 2 कोविड टेस्टिंग लैब स्थापित करने वाली है, जिनसे प्रतिदिन 600 लोगों की कोविड जाँच हो सकेगी। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने कोरोना उपचार इंतजामों के सवाल पर मंगलवार को बताया कि दोनों लैब हफ्ते से 10 दिनों के भीतर ही प्रारंभ हो जाएंगे। 3 शिफ्टों में चलने वाले प्रत्येक टेस्टिंग लैब से दिन भर में 300 कोरोना टेस्ट होंगे, जिनकी तत्काल रिपोर्ट भी मिलेगी। आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि टेस्टिंग लैब के क्रियान्वित होने पर कोरोना के उपचार में बड़ी राहत मिलेगी। इज वी आर प्लानिंग टू एस्टैब्लिश ईदर 2 टेस्टिंग लैब विथ 1 आरटीपीसीआर मशीन ईच, और इफ द प्रिपाइस इज बिग इनफ 1 टेस्टिंग लैब विथ 2 आरटीपीसीआर मशीन। सो बेसिकली वी आर प्लानिंग टू हैव 2 आरटीपीसीआर मशीन्स। सो द पोजिशन एज ऑन टूडे इज सप्लाई ऑर्डर फॉर ऑल इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग आरटीपीसीआर मशीन एज वेल एज आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन एंड द होल गैमट ऑफ इक्विपमेंट्स विच आर नेसेसरी राइट फ्रॉम द स्टेज वेन सैम्पल कम्स टिल द स्टेज वेन वी गेट टू नो वेदर द पेशेंट इज पॉजिटिव और निगेटिव। सो दैट होल सेट ऑफ इक्विपमेंट्स अलॉन्ग विद टेस्टिंग किट फॉर बोथ आरएनए एक्सट्रैक्शन एज वेल एज आरटीपीसीआर दैट सप्लाई ऑर्डर हैज बीन प्लेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ आई एम बाय द वे इन डे टू डे डिस्कशन विथ कनेक्शन विथ द सप्लायर एंड वी आर कीपिंग प्रेशर ऑन हिम सो दैट द सप्लाई हैपन्स सून। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दोज इक्विपमेंट्स कुड बी अवेलेबल विद इन नेक्स्ट 7 to 10 डेज बिकॉज द काइंड ऑफ कैपेसिटी ऑफ आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन विच वी आर परचेसिंग दैट मशीन इज हैविंग हायर कैपेसिटी। आई एम होपिंग टू रीच अप टू 400 and 500 इन द डेज टू कम वंस दोज पीपल लैब टेक्नीशियंस गेट यूज टू इट। सो एटलीस्ट मिनिमम वी कैन से पर मशीन 300। सो इफ आई एम परचेसिंग 2 मशीन्स आई शुड बी एबल टू डू 600 सैंपल्स विद इन 24 आवर्स। बता दें कि वर्तमान में नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण 12,000 के पार पहुंच गया है। इनमें 4,000 एक्टिव मरीज हैं जिनका उपचार चल रहा है। आयुक्त ने मीडिया के सवाल के जवाब में बताया कि नवी मुंबई के कोरोना मरीजों को समय पर जांच एवं उपचार की सुविधा और औषधियां उपलब्ध हों, इसी लक्ष्य को लेकर काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोग्य विभाग को औषधियों का अतिरिक्त भंडारण करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि मरीजों को उपचार के लिए बाहरी मेडिकल से महंगी दवाएं ना खरीदनी पड़े। कोविड बाबत तर अवर फिलॉसॉफी इज व्हेरी क्लियर। कोविड मध्ये जी कॉर्पोरेशनच्या मालकीची फॅसिलिटी आहे त्या ठिकाणचं कुठलंही मेडिसिन रुग्णाला आणण्याची गरज नाही पडली पाहिजे। तिथे दिली जाणारी सेवा आणि दिले जाणारे मेडिसिन हे पूर्णतः कॉर्पोरेशनच्या वतीने अवेलेबल करून दिले पाहिजे। दिस इज द फिलॉसॉफी विथ विच वी आर वर्किंग। नाउ फॉर नॉन कोविड एज वेल कॉर्पोरेशनच्या हॉस्पिटलमध्ये ज्या सेवा केल्या जातात त्या ठिकाणी सर्व मेडिसिन कॉर्पोरेशनच्या वतीने अवेलेबल करून दिले जातील यासाठी मी प्रयत्नशील राहील। याच्यामध्ये कोविड पर्टिक्युलरली वी शूड फोकस प्रेझेंटली बिकॉज दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इश्यू ॲट हँड। कोविडमध्ये कालच मी आरोग्य विभागाला सूचना दिलेल्या आहेत की मला आता वाशी आपलं हॉस्पिटल आहे किंवा इतर हॉस्पिटलच्या इन्चार्ज डॉक्टरांशी जेव्हा आपण बोलतो त्यावेळी असं समजलं की काही ठिकाणी मेडिसिन संपलं तर ते रिक्विजिशन देतात। रिक्विजिशन आल्यानंतर इथे ती पद्धत पूर्ण नसती फिरवणं ही सगळी प्रक्रिया होऊन ते मेडिसिन अवेलेबल होईपर्यंत काही वेळी विलंब होऊ शकतो। तो विलंब टाळण्यासाठी एक बफर स्टॉक प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये असणं आवश्यक। कधीही असं नाही झालं पाहिजे की मेडिसिन संपत आलं आहे, संपत आलं म्हणून त्यांनी रिक्विजिशन टाकले आहे मग इथली सगळी प्रक्रिया करून आपण अवेलेबल करून देतोय। एव्हरी हॉस्पिटल शूड मस्ट हॅव सम बफर स्टॉक and that buffer should never be touched। जे मूळ स्टॉक आहे तो संपत आल्यानंतर नवीन डिमांड रेज केली जावी आणि नवीन डिमांड तेव्हा सप्लाय करावी ज्यावेळी बफरला अजून हात पण लागलेला नाही। सो दॅट ॲट एनी गिव्हन पॉईंट ऑफ टाईम देर इज सफिशियंट बफर अवेलेबल इन केस ऑफ इमर्जन्सी दॅट कॅन बी यूज। सो आता सगळ्या हॉस्पिटलला आम्ही मेडिसिन सप्लाय करताना तो फक्त त्यांच्या प्रेझेंट रिक्वायरप्रमाणे न करता बफर स्टॉक लक्षात घेऊन रिक्वायर सप्लाई करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत। उम्मीद की जा रही है कि नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा कोरोना से निपटने के इंतजामों के कारण नागरिकों को जल्द राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट।
अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।